किस बात का घमंड है आपको, बिहारी होने का, या इस बात का कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री हर जगह सुशासन का ढोल पीटते हैं और ये कहते हैं कि उनके राज्य में बहन बेटियां बहुत सुरक्षित है? तो थोड़ा कम घमंड करिए। सच्चाई ये है कि आपके राज्य में हर दिन 4 से 5 लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है और उसके बाद न्याय कितना बढ़िया से मिलता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जांच कितने निष्पक्ष तरीके से होता है ये आपको भी पता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे शायद सर्व से आपका सर और झुक जाए और शायद ना भी झुके, क्योंकि हम बिहारी सीना तान के ये कहते हैं कि अरे भैया, हम में लज्जा थोड़ी कम है। इतनी भी क्या कम लज्जा है आप में कि आपके राज्य की बहन बेटियों के साथ आए दिन ऐसा बलात्कार होता है और उसके बाद आप सुन के, पढ़ के, देख के भूल जाते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है उसका बाप आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाए और बोले कि माफ़ करिए, हमसे गलती हो गई जो हमने न्याय का गुहार लगा दिया, हमें इंसाफ नहीं चाहिए, चैन से जीने दीजिए। मामला मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट रोड का है। यहाँ पर 17 वर्षीय लड़की के साथ रेप होता है, पता है कब? 10 साल पहले 22 अगस्त 2010 को, और फाइल खुलता है 2020 में, 10 साल के बाद। और जब जांच आगे बढ़ता है और पुलिस वाले लड़की के पिता के पास जाते हैं तो लड़की का पिता कहता है कि भाई बख्श दो, हमने अपनी बेटी का शादी कर दिया है, बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, हमें न्याय की ज़रूरत नहीं है। जिस आदमी ने रेप किया था वो मोहल्ले का ही था, अब वो गांव छोड़कर बहुत दिन पहले गांव से जा चुका है, गिरफ्तारी किसकी करोगे? कितनी शर्म की बात है ना। हम उस राज्य में रहते हैं और उस देश में रहते हैं जहां एक महिला को न्याय दिलाने में 7 साल 10 साल लग जाता है, महिला आगे बढ़ जाती है अपने जीवन में और कई महिलाएं तो मर भी जाती हैं और उसके बाद उनके गार्जियन ये बात आगे ना बढ़े और समाज में उनकी बदनामी ना हो ये सोच करके पुलिस के आगे हाथ जोड़ देते हैं कि भाई हमें न्याय नहीं चाहिए, चैन से जीने दो। कितनी लड़कियां रेप को अपनी नियति मानकर चुप रहेगी? कितनी लड़कियां आए दिन इस दरिंदगी को सहते रहेगी? क्या बिहार की लड़कियों को आगे बढ़ के आवाज़ उठाने का हक नहीं है, या बिहार की लड़कियां सिर्फ चुप रहने के लिए और सहने के लिए बनी हैं इसलिए क्योंकि उनके राज्य का सुशासन इतना बढ़िया है कि उनसे बोलने का हक भी छीन लिया जाता है? राजनीतिक दबाव में आकर के या पैसा खिला करके यहाँ के पुलिस लड़कियों को न्याय दिलाना भी भूल जाते हैं और ये बता देते हैं कि तुम एक लड़की हो और शायद तुम्हारी हद ही इतनी है कि तुम्हारे साथ दरिंदगी होती रहेगी और तुम्हारे परिवार को झुकना पड़ता रहेगा। सरकार से इसमें सवाल बस इतना ही रहेगा कि कब आप एक लड़की को बिहार में खुल के जीने का हक दे देंगे, कब एक लड़की बिना डर के बाहर निकल पाएगी, कब एक लड़की खुल के ये बोल सकेगी कि अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो सरकार मेरे साथ खड़ी है और न्याय दिलाने के लिए ऐसे खड़ी हो जाएगी कि फिर डरने की ज़रूरत तो है ही नहीं। उस दिन गर्व कर लेना बिहार जिस दिन तुम्हारे राज्य की लड़की खुलकर ये बोल सकेगी कि हाँ, मैं रात को बिना डर के बाहर निकल सकती हूँ और मेरे साथ कुछ नहीं होगा, इस बात का आश्वासन सरकार दे रही है। ये कब संभव होगा पता नहीं, क्योंकि एक लड़की होने के नाते मैं भी ये कह सकती हूँ कि मुझे भी अकेले रात में निकलने में डर लगता है और हाँ, मैं बिहार का हिस्सा हूँ। आप DTW न्यूज़ देख रहे हैं, मेरा नाम निशा है और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए और YouTube पे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।